नमस्कार, मैं हूं पुरुषोत्तम अग्रवाल और आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी का साप्ताहिक कार्यक्रम किताब। आज हम इस कार्यक्रम में तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना कवितावली पर बात करेंगे। हिंदी ही नहीं बल्कि किसी भी भारतीय भाषा के साहित्य की कल्पना भक्ति साहित्य के बिना नहीं की जा सकती, और भक्ति के कवियों में तुलसीदास की अपनी एक खास जगह है। हिंदी भाषी क्षेत्र में तुलसीदास की कई उक्तियाँ मुहावरे का रूप ले चुकी हैं। तुलसीदास इस क्षेत्र के सर्वाधिक लोकप्रिय और संभवतः सर्वाधिक विवादास्पद कवि कहे जा सकते हैं। उनकी कई बातें विवादास्पद रही हैं, लेकिन ये सच है कि वे हिंदी भाषा और उसको बोलने वालों के जनजीवन में गहरे में मौजूद कवि हैं। कवितावली तुलसीदास की तमाम रचनाओं की तरह रामकथा की रचना है, लेकिन इसमें तुलसीदास रामकथा के साथ साथ अपनी भी राम कहानी कहते हैं। कबीर हों या सूर हों या मीरा हों या तुलसी हों, भक्ति काल के कवि अपनी आत्मकथा कहने में अधिक रुचि नहीं रखते थे, और इस लिहाज से कवितावली, जिसमें कवि अपने जीवन के बारे में संकेत करता है, एक अनोखी रचना बन जाती है। इस रचना में हम तुलसीदास को अपने बचपन की वेदनापूर्ण स्मृतियों से गुजरते देखते हैं, लोगों के व्यर्थ सवालों से संतप्त देखते हैं, और साथ में आसपास फैले हुए दुख, दरिद्रता और तकलीफ से त्रस्त देखते हैं। इस पुस्तक में हम तुलसीदास को गरीबी को रावण से तुलना करते हुए देखते हैं। राम चरण गोस्वामी तुलसीदास की प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है कवितावली। इसकी रचना 16वीं शताब्दी में की गई थी। तुलसीदास ने अपनी सभी काव्य रचनाओं में राम के आदर्श चरित्र को प्रस्तुत किया, तो वहीं मानव जीवन के पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक जीवन को भी दिखाया है। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के राजापुर गाँव में 1511 में हुआ था। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में रामचरितमानस, कृष्ण गीतावली, गीतावली और दोहावली रही हैं। कवितावली तुलसीदास की प्रसिद्ध और मार्मिक रचना है। कवितावली में रामचंद्र के जीवन का वर्णन कविता, चौपाई, सवैया और छंदों में किया गया है। ये छंद ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। कवितावली में दो प्रकार के छंद हैं, एक जो रामकथा से संबंधित हैं और दूसरे जो अन्य विषयों पर लिखे गए हैं। कवितावली में 7 खंड हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तुलसीदास की सभी कृतियों की तरह कवितावली भी रामकथा ही कहती है, लेकिन एक बड़े फर्क के साथ। वो ये कि कवितावली में तुलसीदास राम की कथा के साथ ही अपनी राम कहानी भी कहते हैं। कवितावली बुरे से बुरे वक्त में इंसान को हौसला देती हैं। आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं तुलसी साहित्य के मर्मज्ञ, हिंदी के अत्यंत सम्मानित आलोचक और अत्यंत लोकप्रिय अध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप इस कार्यक्रम में आए, बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर त्रिपाठी अपने अनोखे गद्य के लिए विख्यात है, और संस्मरण बहुत से लोग लिखते हैं, लेकिन त्रिपाठी जी का संस्मरण अपने अलग तरह के संस्मरण है। बहुत सारे लोग अपने अध्यापकों के बारे में लिखते हैं। मेरी जानकारी में त्रिपाठी जी संभवतः पहले अध्यापक हैं जिन्होंने अपने छात्रों के बारे में भी लिखा है। गुरु जी की खेती बाड़ी लिखी है व्योमकेश दरवेश के साथ साथ। आज जिस कॉलेज में हम बैठे हैं, किरोड़ीमल कॉलेज, यहीं से त्रिपाठी जी ने अपना अध्यापन आरम्भ किया था, और आज ये मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि मैं कवितावली पर त्रिपाठी जी के साथ बात करूँगा। इस बातचीत में, जैसा कि आप जानते हैं, दूसरे सेगमेंट में ऑडियंस के साथ बातचीत होगी, और ऑडियंस में हमारे कुछ खास मेहमान मौजूद हैं नौजवान छात्रों के साथ साथ। हमारे साथ इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राजेंद्र पांडे हैं, एमिटी यूनिवर्सिटी की डॉक्टर श्रीवास्तव हैं, और इसी कॉलेज के, किरोड़ीमल कॉलेज के ही डॉक्टर रिसाल सिंह और डॉक्टर सभा हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। डॉक्टर साहब, बातचीत शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मेरा ये है, आपने भी अपनी किताब में लिखा है कि तुलसीदास की लोकप्रियता भारतीय जनता की धर्म भीरुता के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए है कि
तुलसीदास की कविता में देश का जीवन बोलता है। आपने ये भी लिखा है कि कोई मंदिर ना जाए, कोई भक्ति ना करे, तब भी तुलसीदास लोकप्रिय रहेंगे। आपकी प्रसिद्ध पुस्तक लोकवादी तुलसीदास की भूमिका में ये बात है। मुझे याद आता है कि विलियम क्रुक ने 1896 में लिखा था, लगभग यही बात 1896 में उन्होंने लिखी थी, कि उत्तर भारत में तुलसी और कबीर की लोकप्रियता की कोई तुलना नहीं की जा सकती। लगभग हर आदमी के मुंह पे इन कवियों की कोई ना कोई वाणी कभी ना कभी सुनी जा सकती है। आपने ये बात 1973 या 74 में लिखी थी, अगर मुझे ठीक है। बिल्कुल ठीक है, 1974 में। आज 37 साल बाद भी आपको लगता है कि तुलसीदास उतने ही लोकप्रिय आज भी हैं 2017 में? मुझे कभी कभी ऐसा लगता है पुरुषोत्तम जी कि ये बड़ी, मैं, आप शायद कहेंगे इतिहास विरुद्ध बात है या ना ऐतिहासिक बात है, लेकिन अभी तक ऐसी बात नहीं पैदा हुई है कि तुलसीदास कबीर की लोकप्रियता के बारे में इतनी या उतनी का विशेषण लगाया जाए। कोई उनकी लोकप्रियता में किस तरह की कमी नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो केवल महानगरों के कवि नहीं हैं, या वो सिर्फ विश्वविद्यालयों के कवि नहीं हैं, विश्वविद्यालयों के भी कवि हैं, महानगरों के भी कवि हैं, और इसके साथ साथ वो जो इतनी कोट्यावधि जनता फैली हुई है, हिंदी भाषी समाज है, और सिर्फ हिंदी भाषी समाज नहीं, जो भारतीय भाषा समाज है उसमें भी ये कवि उतने ही लोकप्रिय हैं और रचे बसे हैं। अब ये जो कवितावली की बात आपने की, अगर इस बारे में कोई बात करनी या प्रासंगिक न मानी जाए तो मैं कहूँ, देखिए इसके फार्म पर आप विचार कीजिए। गीता प्रेस गोरखपुर से जो किताब छपी है उसमें कुल 223 पृष्ठ हैं। अब 223 पृष्ठ में से आधे से कम में ही बाल कांड से लेकर के लंका कांड तक की कथा कह दी गई है जी। अब जो उत्तर कांड है वो आधे से ज़्यादा घेरता है। उत्तरकांड का मतलब क्या? उत्तरकांड का मतलब वर्तमान, जिसमें तुलसीदास अपने समय की कथा कहते हैं। अब आप उस दृष्टि के बारे में सोचिए, उस विजन के बारे में सोचिए कि जो वर्तमान को, और तुलसी जैसा कवि जो वर्तमान को पूरे अतीत से अधिक संदर्भवान मानता है, या ये मानता है कि पूरा जो अतीत है वो कहीं ना कहीं सार्थकता प्राप्त करता है रोज़ की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। और यह जो कवित्व छंद है पुरुषोत्तम जी, आप जानते होंगे, आप ज़रूर जानते होंगे क्योंकि आपने तो इतना पढ़ा लिखा भक्ति के साथ, हिंदी का जातीय छंद है और कोई छंद नहीं इसमें है। दोहा, चौपाई, मंदाकांता, कोई छंद नहीं है जो हिंदी का जातीय छंद हो। और ये छंद हिंदी क्षेत्र में, जब मैंने तीजन बाई की पंडवानी सुनी और जब रेखा निषाद की पंडवानी सुनी, अगर आप आए घोड़ा चलाएं कभी घाड़ा, ये सवैया है, कवित्व है, तो आप ये देखते हैं कि, और कवितावली एक ऐसी किताब है जिस किताब में उर्दू और फारसी के शब्द भरे पड़े हैं। खलल खिलकत में उठत हबूब हैं, उम्र दराज महाराज तेरी चाहिए जी। और एक जगह कहते हैं राम गरीब नवाज भए हैं, गरीब नवाज गरीब नवाजी। इसका अनुवाद ऐसा बनेगा कि गरीब नवाज राम गरीबों को नवाज करके गरीब नवाज बने हैं जी। अब इस गरीब नवाज के बारे में आपसे ज़्यादा कौन जानता हो, ये तो लकब है, ये तो उपास है अजमेर के शरीफ की, ये तो ख्वाजा की, ख्वाजा गरीब नवाज। अब ये तुलसीदास जो हैं अजमेर के ख्वाजा का लकब उठा करके राम पर सीधे, और राम की स्टॉक से मिली है गरीब नवाज। और ये बताते हैं कि जो, अब शायद एक व्यंग भी उधर है कि जो राम हैं वो ऐसे गरीब नवाज नहीं हैं बल्कि गरीबों को नवाज करके सचमुच गरीब नवाज बने हैं राम जी जी जी। तो ये मैं कह रहा था कि तुलसीदास और उनकी कवितावली, इसके बारे में आप ज्यों ज्यों सोचेंगे त्यों त्यों लगेगा कि क्रुक ने जो कहा था वो गलत नहीं कहा था। नहीं, क्रुक ने जो कहा था वो सही है और सन 1973 में जो आपने लिखा वो भी सही है, लेकिन फिर भी मुझे डॉक्टर साहब कभी कभी लगता है कि शायद तुलसीदास ही क्या, हमारी नई पीढ़ी साहित्य मात्र और किताब मात्र से
उदासीन और वीतराग होती जा रही है इसलिए बात केवल तुलसीदास। लेकिन खैर डॉक्टर साहब, मैं एक और जो आप बात कह रहे थे और मुझे इस कवितावली के जो कुछ छंद बरबस आंखों में आंसू ले आते हैं, जी जी जी, उनमें से एक वो जो जायत जायो कुल मंगन बजायो बदावनो भयो परिताप पाप जननी जनक को, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने तो तुलसीदास पर बहुत गहराई से विचार किया है, काम किया है, आपकी पुस्तक रुकवादी तुलसीदास, आप खुद उनके प्रारंभिक पाठकों में से हैं उस किताब के। मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि ऐसा क्या रहा होगा, इस पर आपकी क्या कल्पना या क्या रिसर्च है, ऐसा क्या रहा होगा कि उम्र के उस दौर में तुलसीदास अपने बचपन को इस तरह याद करते हैं और इस पीड़ा और वेदना के साथ याद करते हैं कि किस गरीबी में मैं पला बड़ा, पेट की आग बुझाने के लिए किस किस के मैंने टुकड़े खाए, चार चने मिल जाते थे तो समझता था कि धर्म अर्थ काम मोक्ष सब सिद्ध हो गए, जाना तो चार फल चार ही चनक को, ये इस वेदना को रिविजिट क्यों किया है तुलसीदास ने कवितावली में, इस पर आपकी कोई कल्पना कोई सोच हो तो मैं जानना चाहूँगा। इस वेदना को पूरे जीवन में वो कहीं रिविजिट नहीं करते छोड़ कवितावली। पुरुषोत्तम जी, यह बात इतनी दूरगामी है और विस्तार से कही जाने वाली है, यही नहीं है, तुलसीदास के राम पूरी राम कथा के अन्य गायकों से इतने भिन्न हैं, तुलसीदास के राम के चरण तो कमल सबके लिए हैं। अच्छा अजीब, तुलसीदास जब वेद स्तुति करते हैं राम की तो जानते हैं, वो कहते हैं वेद कहते हैं कि राम मैं तुम्हारे उन चरणों की वंदना करता हूँ जो वनवास में कांटे सहते सहते जिसमें घट्टे पड़े हैं। अब ऐसे किसी ने अपने भगवान के ऐसे चरणों की वंदना जी। अच्छा, होता यह है पुरुषोत्तम जी कि ये गरीबी जो होती है ना और जो पेट की आग होती है, आपको याद आया होगा आग बड़वा से बड़ी है आग पेट की। अच्छा, तुलसीदास ने कहा कि और एक नहीं, वो तुलसी के आद्यंत साहित्य में जहाँ परमानंद की प्राप्त होती है वहाँ लगता है कि भूखे को अन्न मिल गया हो, जहाँ सबसे ज़्यादा दुख का बयान होता है वहाँ ऐसा होता है जैसे कि वो भूखा रह गया हो, आदि भूखा रह गया हो। तो रावण की राम की सेना के सामने कुंभकर्ण आता है, तो कुंभकर्ण आता है तो बंदरों को ऐसा लगता है जैसे किसान को अकाल दिखाई पड़ता है। क्या बात है किसान को जैसे अकाल दिखाई पड़ता है। अब आप ये देखिए, इसमें होता यह है कि तुलसीदास अपने को इतना एनालाइज करते हैं और ये जो आदमी आदर्शवादी होता है ना, और अगर वो ईमानदार भी हुआ और अपने को भी लेखता जोखता चलता है हमेशा, तो उसको बड़ी परेशानी होती है। और मैं कभी मौका अगर होगा तो बताऊंगा कि तुलसी का जो पूरा राम कथा है वो सबलिमिटी तो है, मेरी बात लोग नहीं मानेंगे, मैं जानता हूँ नहीं मानेंगे, लेकिन मैं कहने से बात नहीं आऊँगा कि तुलसीदास की सबलिमिटी जो है वो ट्रेजिक सबलिमिटी है। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पूछूं, वो इसलिए क्योंकि वो अपना भूख भूल नहीं पाते थे। देखिए, हम किसी बड़ी दुर्घटना में फंस जाते हैं, हमें फांसी की सज़ा हो जाती है, हम अपमानित हो जाते हैं, कई लोग भूल जाते, तुलसीदास भूल नहीं पाते। और चाहे वो राम के सामने जाएं, चाहे अन्नपूर्णा के सामने जाएं, हनुमान के सामने जाएं, किसी देवता के सामने जाएं, वो अपनी भूख को, अपने सेक्स को, पता नहीं तुलसीदास का एक ढंग से अभी तक स्त्री ही नहीं हुआ है, राम को, कामदेव को और रोग को तुलसीदास से कभी भूल नहीं पाते। तो अब ये ऐसा व्यक्तित्व रहा होगा जो अपने काम ही नार प्यार जमी जो लोग मत के प्रिय दा, और ये जानते हैं ये मानस का अंतिम छंद है जी। जब सारी शंका का समाधान हो चुका है, बिल्कुल बिल्कुल, जब पार्वती की शंका समाधान हो गई है, जब राम राज कायम हो चुका है। माफ करेंगे, मैं जानता हूँ कि तुलसीदास पर बात करना आपके लिए कितना सुखकर है, लेकिन मैं अपने सवाल पर फिर से आऊंगा। आपने ठीक कहा कि तुलसीदास अपना दुख भूल नहीं पाते, लेकिन उस दुख की ऐसी निरंतर और ऐसी सघन अभिव्यक्ति कवितावली के पहले नहीं मिलती, नहीं आज भी मैं, नहीं मैं, मैं इस पर जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल यह है
कि रामचरितमानस में तुलसीदास वर्ण व्यवस्था के एक प्रबल आग्रही के रूप में उभर के आते हैं, आप जानते हैं, और कवितावली में जब स्वयं उनसे लोग उनकी जात पूछ पूछ के उनको तंग करते हैं, दूत कहो, अब दूत कहो, रजपूत कहो, जुला कहो, कोई आपको नहीं लगता कि इसमें एक बहुत ही क्या कहें उसको, एक स्वीट कह लीजिए या दर्द भरी कह लीजिए, एक आयरनी है इसमें। पुरुषोत्तम, यह एक संगत की बात है कि हम आपसे बैठे बात कर रहे हैं जी। ये जो सांप्रदायिकता और संकीर्णता है उसकी एक बड़ी आत्मघाती प्रवृत्ति होती है। आत्मघाती प्रवृत्ति चाहे तुलसीदास ही क्यों ना हो, मैं प्रवृत्ति के बारे में बात कर रहा हूँ। आज मैं कहूँगा कि ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ, हिंदू सबसे श्रेष्ठ, फिर कहूँगा ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ, फिर कहूँगा नहीं सरयू पारी ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ, फिर कहूँगा नहीं पूर्विया ब्राह्मण, और फिर कोई कहेगा कि सिद्ध करोगे तुम सरयू पारी हो, फिर हम सीधे सीधे हम ये करेंगे कि एक का विरोध करते करते संग्रह में हम अपने परिवार का विरोध करने लगेंगे जी। फिर कहेंगे मेरे भतीजे उतने अच्छे, फिर हम अपने आप को जीरो बना करके परम शुद्ध होंगे। ये संकीर्णता क्या, ये तुलसीदास भी इसके शिकार रहे होंगे कि जब अपने पर पड़ी, जब सबसे तो पहले कह दिया कि बाभन अच्छे और शूद्र ऐसे, लेकिन जब बाभनों ने ही उनको पीटना शुरू किया कि ये पता नहीं कहाँ से आ गया है काशी में, सारा भिक्षा ही खा रहा है, सारा पूजिए ना शूद्र सकल गुरु पुनिवीना, सारा राजभोग राजपोट मिल रहा है, महंत हो गया है, गोसाई हो गया है, तो पंडितों ने, आप तो काशी के पंडितों से परिचित हैं, खूब परिचित, तो उन्होंने तुलसीदास शंकराचार्य की पिटाई की थी, उन्होंने तुलसीदास की भी पिटाई कर दी, मेरे गुरु और आचार्य हजरत प्रसाद द्विवेदी की दुर्गति कर दी उन्होंने, तो यही वेदाखारे तुलसीदास के साथ यही है, जब अपने पर पड़ी तब उनको पता चला। नहीं, इसी लिहाज से क्या ये कहना ठीक होगा डॉक्टर साहब, अगर हनुमान बाहू को भी साथ में मिला ले, जी, जिस पर आपने बहुत सुंदर ढंग से अपनी पुस्तक में विचार भी किया है जी, हाँ, कि बीमारी है, बाह में तकलीफ है, और तुलसीदास बार बार कह रहे हैं कि जो मैंने नमक हरामी की है वो नमक फूट फूट के मेरे शरीर से निकल रहा है, इस कदर आत्मग्लानि में डूबे हुए तुलसीदास वहाँ दिखते हैं, क्या हम कवितावली और हनुमान बाहु को तुलसीदास के अपनी खुद की जीवन दृष्टि से मोहभंग के रूप में भी पढ़ सकते हैं? बहुत ठीक बात आपने कही है, महान मोहभंग है, इसीलिए मैंने उनकी सबलिमिटी को ट्रेजिक कहा है। एब्सोल्युटली, इसीलिए मैं कहता हूँ, मैंने कहा मैंने क्या मतलब, मुझे ऐसा लगता है कि, और ये सिर्फ हर जगह है, ये होता यह है कि तुलसीदास, देखिए तुलसीदास की आस्था पक्की है, हाँ पक्की आस्था है, अंत तक है, और जो यथार्थ है वो भी पक्का है। अब ये तुलसीदास नहीं समझ सकते थे कि जो राम उनके भावना के बने हुए हैं, और जो काम एक MBBS डॉक्टर करेगा वो राम नहीं कर पाएंगे, भावना के बने हुए राम। अब शायद ये बात तुलसीदास सुनते तो हमें मारने दौड़ते, हम तो कह देते कि ये बिल्कुल हो सकता है, कुछ लोग अभी भी दौड़े, वो अलग बात लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि बोध जो है वो आगे ले गया है, तो तुलसीदास की सबसे बड़ी, और वो यही नहीं है, अब जैसे अन्नपूर्णा है, अब अन्नपूर्णा जो है वो संस्कृत कवियों की जो अन्नपूर्णा है वो सकल भूषण भूषितांगाम, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो सोने की कलछुल से खीर परोस रही हैं राजभवन में, तुलसीदास की अन्नपूर्णा आपने पढ़ा होगा, अब दुख को अगार शोक भाग भरे तौलों जन जौलों द्रवय ना भवानी अन्नपूर्णा। अजीब क्या है तुलसीदास ने कि जो जिसकी ड्यूटी है, जिस देवता का जो काम है, उसको तुलसीदास ने अपने फ्रंट पर भेजा है, अन्नपूर्णा का काम अन्न देना है, तो राजमहल में क्या कर रही, चलो गरीबों के बीच चलो, बहुत सुंदर बात है, राम अगर दीन बंधु हैं, गरीब नवाज है, तो गरीबों के बीच चलो, हर देवता को के जेन्युइन उपासक पैदा किए हैं तुलसीदास, ये तुलसीदास का महाकाव्यत्व है, ये तुलसीदास की महानता है। डॉक्टर साहब एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, कवितावली से आपका पहला परिचय कब हुआ? रामचरितमानस तो हम सब जानते हैं कि उत्तर भारत में उससे परिचय करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपका परिचय हो जाता है और बहुत बाद में आपको मालूम पड़ता है कि ये पंक्ति रामचरितमानस की कवितावली के साथ वैसी स्थिति नहीं है। ऐसा पूछो, कवितावली से आपका पहला परिचय कब? समझदार हो आप तो कोई नहीं होकर आपको क्यों परेशानी होगी, लेकिन बहुतों को कुछ होने लगा। देखिए एक पत्रिका निकलती थी PPH से, उसमें तुलसीदास की कुछ पंक्तियाँ उद्धृत की हुई थी, और वो जानते हो लेख किसने लिखा था? ख्वाजा अहमद अब्बास ने। अच्छा,
ख्वाजा अहमद अब्बास ने कवितावली से पंक्तियां कविता तुलसीदास पर एक नोट लिखा था। अच्छा, और उस नोट में आँख बड़े भाग से बड़ी है आँख पेट की, सबसे पहले मैंने ख्वाजा अहमद अब्बास के लेख में तुलसीदास की पंक्तियां पढ़ी हैं। क्या बात है, ये एक तरह से डॉक्टर साहब आपने इस देश की जो संस्कृति है, इस देश में साहित्य का जो महत्व है, उसको इतने सुंदर ढंग से आपने रेखांकित किया कि आपने सबसे पहले कवितावली की ये पंक्तियाँ ख्वाजा अहमद अब्बास इलाहाबाद में मैंने उसे पढ़ी, के अब्बास के लेख में, ख्वाजा अहमद अब्बास के लेख में पढ़ी मैंने, और वो कुछ वातावरण ऐसा था और पता नहीं इस बात की तरफ ध्यान लूँगा गया है कि नहीं गया है, मैं खुद चकित हुआ था इस बात से जी। मैं किसी तरह से इस वार्ता को कोई रंग नहीं देना चाहता किसी तरीके से, लेकिन सच तुलसीदास के पूरे काव्य में, बल्कि वांग्मय में हिंदू शब्द है ही नहीं, जबकि कबीर के यहाँ है, हिंदू तुर्क इतना है, कबीर के यहाँ बड़ा पड़ा है हिंदू तुर्क, कबीर के यहाँ तुर्क, तुलसीदास का तुर्क शायद यवन है, यवन है, यवन है, मलेच्छ है, मलेच्छ है, यवन है, यवन मलेच्छ है। और एक जगह है, एक मुस्लिम भाई का भी उल्लेख है, मुसलमान नाम नहीं यवन नाम है, नहीं वो कवितावली में ही एक उल्लेख है, बिल्कुल बिल्कुल, वो एक सुअर से टकरा गया कवितावली में, हराम उसके मुंह से निकला तो राम शब्द उसमें आ गया तो वो उतर गया। अब वो जो मुसलमान बुढ़ा था वो भी जर्जर था, दीन मलिन था, बीमार था जी जी, तो सुअर के बच्चे ढकेल दिया, उसने कहा हराम, अब वो बाकी तो कथा जानते जी जी हराम जब कहा तो राम का नाम मुंह से निकला, यमदूत यमदूत आए तो भगाया, और राम ने कहा इसको हमारे यहाँ भेजो इसको तो तुलसीदास का सिर्फ एक उल्लेख वहाँ मिलता है, नाम से मिलता है इस तरीके से। तो ये जब कभी भी ये उनके यहाँ हमेशा होता है कि क्योंकि ईमानदार आदमी के लिए समस्याएं आती हैं, क्योंकि जो यथार्थ है उसको तो टुकड़ा नहीं सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, बीच में रोक रहा हूँ आप, नहीं नहीं जी हजर, मैं चाहता हूँ कि आप अपना एक प्रिय कवित्व कवितावली से पढ़ दें। आपने मेरे प्रिय कवित्व का तो कई बार आपने नहीं नहीं आप पढ़ दीजिए उसको, हो मेरा और आपका दोनों का प्रिय कवित्व हो सकता। कहो हनुमान सो सुजान राम राय सो, कृपा निधान शंकर सो सावधान सुनिए, हर्ष विषाद राग रोष गुण दोषमयी, बिरची बिरंच सब देखियत दुनिये, माया जीव काल के कर्म के सुभाय के, करैया राम वेद कहें साची मन गुनिये, तुमते कहा ना हो हा हा सो बुझइए मोहि, हहूँ रहो मौन ही भयो सो जानि दुनिये। तुम राम तुम क्या नहीं कर सकते हो यह हमें साफ साफ बता दो, मैं भी चुप हो जाऊँ कि तुम्हारे बस का नहीं है और जो किया है वो फल भाग रहा हूँ। तो राम अब राम ब्रह्म अभिनय राशि काल जास को दंड, वो कुछ ऐसा है जो वो भी नहीं कर सकते। और हनुमान जिनके बारे में क्या नहीं कर सकते हनुमान, उनके बारे में तुलसीदास ने कहा कि रोग ठीक नहीं हो रहा है, नहीं कर पा रहे हो, तुम बुढ़े हो गए हो। आप कल्पना करें कि क्या कलेजा फटा होगा तुलसीदास का, क्या मुँह भंग कहा होगा जब कहा होगा कि हनुमान बुढ़े हो गए हैं। तो ये ईमानदारी का तकाजा था। इस तरह की व्यक्तिगत वेदना डॉक्टर साहब किसी और भक्त कवि में मिलती है, ऐसी मोह भंग की वेदना, जहाँ जीवन भर जिस सोच में आप जीते रहे उसको आप, जैसे आपने कहा कि वो आस्था पक्की है लेकिन यथार्थ भी पक्का है, पक्का है बिल्कुल, तो इस दो पक्केपन के टकराव से जो चिंगारी पैदा होती है, ऐसी किसी और भक्त कवि में आपको दिखती है तुलसीदास जी? देखिए चूँकि फ्लैशेस तो कबीर में भी हैं, इसे आप जानते हैं कबीर में, लेकिन इस तरह के मोहभंग की स्थिति प्रबंध नहीं लिखा है, प्रबंध नहीं लिखा है, सिस्टम से नहीं टकराए हैं वो, इस सिस्टम से नहीं टकराए हैं, इसे तो टकराते हैं, इसीलिए प्रबंध की अपनी समस्याएं होती हैं, ये नहीं है, इसलिए तुलसीदास निराला मुक्तिबोध भवभूति इस परंपरा भक्त कवियों की बात कर, भक्त कवियों को मुझे नहीं लगा कवियों की बात कर रहा होता, हो सकता है मेरी पढ़ाई कम हो लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगा, भक्त कवियों में ऐसा दूसरा कोई उदाहरण मिलता नहीं, किसी को नहीं लगा। बाकी आधुनिकता में तो ये एक पहचान ही है, हाँ जी हाँ, मोहभंग आधुनिकता की तो एक पहचान ही मानी जाती है, लेकिन तुलसीदास के यहाँ जिस तरह का मोहभंग, अपनी आस्था, मोहभंग ना भी कहें तो अपनी आस्था को लेकर जिस तरह की बेचैनी और टकराहट है, वैसी शायद किसी और भक्त कवि में नहीं दिखती वो है। ऐसा है पुरुषोत्तम, कहीं कहीं ये जिस मोहभंग की बात कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कहीं कहीं बहुत
तत्व सीमांत तक प्रकट हुआ है तुलसीदास में। जैसे तुलसीदास कहते हैं कि राम सब कुछ ठीक है, आपके प्रसाद से मगन फिरत सने मगन मन अपने कुछ नहीं है। दूसरे क्षण, लेकिन राम क्या बात है, आप कल्पना कीजिए, तुलसीदास कहते हैं कि जितना मन पराई नारी में लगता है उतना तुम्हें नहीं लगता। नहीं, इस स्तर अच्छा, तो ये एक एक जगह पर राम सब कुछ ठीक है, सब मिथ्या है, सब माया है, मैं जानता हूँ, लेकिन ये रोग तो नहीं जा रहा है, भूख लगता है तो बड़ी तकलीफ होती है। तो ये जैसे दो फुल स्पीड की राजधानी आपस में टकरा जाएं, मैं इसलिए और ये परेशानी है तुलसीदास को। और यह इस धारा पर, इस छुर पर जाकर के आप जानते हो कि बड़ा चाहे इंसान हो, चाहे बड़ा राजनीतिज्ञ हो, चाहे बड़ा पोएट हो, ये बड़े इंसान के विविध रूप हैं। असल में बड़े इंसान को ये समस्याएं सालती हैं। हाँ हाँ, कहीं लोग आसानी से कहीं ना कहीं मोह भंग, मैं कहना नहीं चाहता इसे, मोह भंग बड़ा है, इसलिए विजन भी बड़ा होना चाहिए, दोनों एक दूसरे से मिले तो। लेकिन कहीं ना कहीं उस मोह भंग का शिकार बड़ा राजनीतिज्ञ, बड़ा इंसान, बड़ा पोएट, बड़ा राइटर। 14-15 अगस्त को गांधी जी आज़ादी के समारोह में नहीं थे, बल्कि कलकत्ते के हैदरी हाउस में सो रहे थे। तो क्या किया जाए, उस समारोह से दूर ये होता है। नहीं तो वो डिसिल्यूजनमेंट, असल में आपने ठीक कहा डॉक्टर साहब, के डिसिल्यूजनमेंट असल में तुलसीदास के विजन के बड़े होने का प्रमाण देती है। हाँ, बिल्कुल, ये मैं और वो आस्था और यथार्थ के टकराव का प्रमाण देता है वो। अब आप जो आपने जो बात कही थी शुरू में कि आजकल पढ़ाई कम हो गई है, इस पर मुझे हमेशा एक बात अजीब लगती है कि देखिए, सौंदर्य बोध जो है उसको अर्जित करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, वो इनहेरिट नहीं किया जा सकता। नहीं, इनहेरिट नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ठीक बात है। तो हमको आपको तो लग रहा है कि भाई तुलसीदास कबीरदास लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कबीरदास तुलसीदास अगर होंगे कहीं तो बड़े मगन हो के नहीं पढ़ते जाए पड़े। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब अगर आप भीमसेन जोशी को, कुमार गंधर्व को नहीं सुनते हैं, तो अगर आपको यही सब ये तो बहुत स्पष्ट है डॉक्टर साहब कि फ़र्क ना तुलसीदास को पड़ता है, ना प्रेमचंद को, ना कबीर को पड़ता है, ना प्रसाद को, ना भीमसेन जोशी को पड़ता है, ना किशोरी अमोलकर को। वो फ़र्क पड़ता है तो मुझे और आपको पड़ता है और कई बार जब तक वो फ़र्क समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी है। मैं ये सोचता हूँ, आपने कह करके ठीक किया, भाई यही कह सकता हूँ कि भाई भगवान करें कि भाग्य अच्छा बना, मैं सौभाग्य होगी तो भगवान से प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। हाँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब, हम ब्रेक के लिए रुकेंगे और अगले सेगमेंट में हम अपने श्रोताओं से बातचीत करेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप जानते हैं कि जो हमारा आधुनिक आंदोलन है, आधुनिक युवा है, जो भक्ति का ही प्रसार है, वो अब उसी रूप में भगवान को, राम को भी उस रूप में नहीं देखता है जिस रूप में तुलसीदास ने देखा था। निराला के राम तुलसीदास के राम नहीं। नमस्कार, कार्यक्रम के इस हिस्से में हमारे श्रोता बात करेंगे डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी से कवितावली के बारे में। सबसे पहले डॉक्टर तृप्ति श्रीवास्तव, जो MET यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। प्रणाम सर। इस प्रश्न का उत्तर आप दोनों में से जो कोई भी देना चाहे। मेरा सवाल ये है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुलसी की जो राम कथा है वो सामान्य पारिवारिक मूल्यों और मानवीय द्वंद और त्रासदी की कथा है, लेकिन ज्ञानोदय की चेतना से परिष्कृत जो आधुनिक चेतन है वो इस कथा की पढ़त जो है वो तीव्र राजनैतिक और सांप्रदायिक पढ़त करता है, तो ये क्यों? ऐसा है कि एक शब्द तो आजकल बहुत चल रहा है ना, पोस्ट ट्रुथ, है ना? तो तुलसीदास ने क्या लिखा है, तुलसीदास का आशय क्या है, उनका अभिप्राय क्या है, वो तो एक चीज़ है, लेकिन उससे राजनैतिक फ़ायदा उठाने वाले
उससे सांप्रदायिक फ़ायदा उठाने वाले, उससे अपना उल्लू सीधा करने वाले, वो चाहे जिस पक्ष के हों, मैं किसी एक पक्ष का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो उसकी ऐसी व्याख्या करते हैं। और क्लासिकल जो साहित्य है, जो हमारा कालजयी साहित्य है, उसमें इसकी बहुत खतरे होते हैं। होता यह है कि तुलसीदास के जो राम हैं वो केवल लोकनायक ही नहीं हैं, बल्कि वो विष्णु के एक अवतार भी हैं, वो भगवान भी हैं और उनके भक्त भी हैं, कीर्तन करने वाले भी हैं, कथा कहने वाले भी हैं, कथा कह कह के भोग लेने वाले भी हैं, प्रसाद पाने वाले भी हैं। तो वो लोग तुलसीदास की कविता की, तुलसीदास के राम की, राम कथा की अपन व्याख्या अपने ढंग से करते हैं। और कभी कभी जो हमारा नवजागरण आया था, उस नवजागरण में काफ़ी कोशिश की गई थी कि चीज़ों को तर्क से जोड़ा जाए, उद्घोषण से जोड़ा जाए, लेकिन और वो द्वंद अभी भी चल रहा है किसी न किसी रूप में। तो अगर आपने कभी आप कभी वाल्मीकि रामायण पढ़िए, या कोई आप रामचरितमानस पढ़िए, या सूरसागर पढ़िए, ख़ास तौर पर जो क्लासिकल साहित्य पहले के होते हैं, उनमें अच्छी से अच्छी किताबों में मैं बड़ा सांस्कृतिक दृष्टि से मैं बहुत बड़ा महत्व मानता हूँ गीता प्रेस गोरखपुर का। मैं उनकी बिल्कुल सुलह आलोचना नहीं करता हूँ, बड़ा काम किया उन्होंने, लेकिन वाल्मीकि रामायण में जहाँ जहाँ मांस शब्द आया है उसकी व्याख्या उन्होंने कंदमूल की है, सर्वत्र कंदमूल की है, जहाँ जहाँ मीन आया है, जहाँ जहाँ कभी रोहू का नाम आया है, वो पढ़ करके लगता है कि नहीं ऐसे है। और फिर राम कथा के, रामचरितमानस के प्रक्षेप भी बहुत हुए हैं, तो ये एक वातावरण है ऐसा। डॉक्टर साहब, मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहता हूँ जो आपने सवाल पूछा है तृप्ति ने। देखिए, तुलसीदास हों या कबीर हों या कोई भी हों, या भारत के या किसी भी देश के लोग हों, आप जब भी किसी क्लासिक कही जाने वाली रचना को पढ़ते हैं तो उसकी वैचारिकता और संवेदना में थोड़ा फ़र्क करना चाहिए। आपको शेक्सपियर के यहाँ ऐसी बहुत सी पंक्तियाँ मिल जाएंगी जो आज आपको बेहद अटपटी लगेंगी। आपको एरिस्टोटल के यहाँ स्त्रियों के बारे में ऐसी टिप्पणियाँ मिल जाएंगी जो आज बहुत ही असंवेदनशील लगेंगी। इसका ये अर्थ नहीं है कि एरिस्टोटल का सारा चिंतन स्त्री विरोधी होने के नाते त्याग दिया जाए, या शेक्सपियर की सारी रचनाशीलता को आप खारिज कर दें। उसी तरह कबीर के यहाँ स्त्रियों के बारे में बहुत तीखी टिप्पणियाँ हैं। तुलसीदास की वैचारिकता स्पष्ट रूप से वर्णाश्रम समर्थक थी, ये बात मानने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यही चर्चा हम लोग कर रहे थे कि जब वो वर्णाश्रम समर्थक वैचारिकता और आस्था यथार्थ से टकराती है, जब स्वयं तुलसीदास से लोग उनकी जाति पूछने लगते हैं, तो वो जो वेदना है वही तो तुलसीदास को बड़ा कवि बनाती है। कि तुलसीदास ना तो उस वेदना को छिपाते हैं, ना उसे रैशनलाइज करते हैं, बल्कि उसे मेरे और आपके पढ़ने के लिए सामने रख देते हैं। यही तुलसीदास का बड़प्पन है बतौर कवि के। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पांडे, आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं जी। धन्यवाद प्रोफेसर पुरुषोत्तम जी। मेरी कुछ जिज्ञासाएं हैं तुलसी विद विश्वनाथ त्रिपाठी जी से। मुझे लगता है कि कवितावली की जो संगठना है उसमें कथा विन्यास कम है, तुलसी का चिंतन, तुलसी का जो निजी पक्ष है और उनकी मार्मिकता उसमें अधिक है। कुछ प्रसंगों के माध्यम से, जैसे किष्किंधा कांड में बहुत कुछ पंक्तियों में उसको सिमटा दिया गया, अरण्य कांड में उसका सीमित रूप में उसका संपादन कर दिया गया है, बहुत संक्षेप में उसका चिंतन किया गया है। कथा विन्यास के संदर्भ में अगर हम चर्चा करें तो तुलसी अलौकिक से लौकिक धरातल पर आ गए हैं, पूरी तरह ये सामाजिक यथार्थ से जुड़ी हुई रचना मुझे प्रतीत होती है। कुछ पंक्तियाँ तो इतनी प्रासंगिक लगती हैं, जैसे एक जगह वो लिखते हैं, भूधर भूमिहीन भूधर भय, ऐसी स्थितियाँ, असाधु अपने से ज़्यादा असाधु के साथ मित्रता करते हैं, तो ये जो प्रसंग हैं। और फिर
जो दारिद्र को दशानन के समानांतर मानते हैं और खेती न किसान को भिखारी को न भीख, ये सब जो पूरा प्रसंग है, इस संदर्भ में मुझे जो लगता है कि तुलसी का जो अनुकूलन करने का प्रयास किया गया, अप्रोप्रिएशन करने का प्रयास किया गया, यानी तुलसी को सही संदर्भ में सही परिप्रेक्ष्य में कम समझा गया, उसका उनका सही पाठ कम किया गया, या तो उनको आध्यात्मिक चेतना से जोड़ दिया गया या भक्ति के सापेक्ष में रख करके देखा गया। मुझे उनकी कंटेम्परेनिटी खास तौर से कवितावली के संदर्भ में बहुत उपयुक्त लगती है। इस संदर्भ में आप की टिप्पणी जानना चाहती हूँ। बिल्कुल ठीक बात पांडे जी कह रहे हैं। तो आप बिल्कुल मेरी समझ से बहुत ठीक बात कर रहे हैं। आपका प्रश्न बहुत उचित है। प्रश्न क्या है, वो प्रश्न के रूप में उत्तर है, समाधान है। अब आप उनका जो पढ़ते हैं कि आज के ज़माने में जीविका विहीन लोग सीध्यमान सी है, बस कहाँ एक एकड़ सो कहाँ जाई कहाँ करी? करी ये कहाँ जाई कहाँ करी, रोजगार नहीं है कहाँ जाए, कहाँ जाए कहाँ करें हम? और जीविका विहीन लोग सीध्यमान से सोच बस ये कहाँ एक एकड़ सो कहाँ जाई कहाँ करी। ये मैं आपको एक प्रसंग सुना करके सुना चाहता हूँ। तो हनुमान बाहु में गया, तुलसीदास कहते हैं कि हाय राम राय कहूँ ऐसो हो भई है। अब ये जब पंक्ति मैं पढ़ता हूँ तो मुझे अपने बचपन की कैसी घटना याद आती है। मेरे गांव के जमींदार साहब थे, बुज़ुर्ग हो चले थे, लेकिन अनुपयुक्त रसिकता थी। तो जो उनके यहाँ वो दलित जाति का हरवाहा था, उसकी लड़की से वो कुछ छेड़छाड़ करते थे। और वो ज़माना यानी 1933-34 का ज़माना, क्या क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकता था। तो वो उनसे कहता था, जब उसको कहते उसको पीटते थे वो, तो वो ये बोलता था मेरे पे कानों सुना है कि हाय बाबू कहो ऐसो हो, एकदम से लगता है जैसे तुलसीदास की भाषा बोल रहा हो वो। तो अब ये जो कंटेम्पोरेनिटी है तुलसीदास की, ये जो बात आप कर रहे हैं, कुछ लोग तो हिंदी में ऐसे चिंतक हैं जो ये मानते हैं कि जो हमारी आधुनिकता है इसकी शुरुआत काफ़ी पहले हो चुकी थी। मैं खुद मानता हूँ, मैं डर के मारे नाम नहीं मैं घोषित रूप से इन लोगों को आधुनिक कवि मानता हूँ, कबीर हो या तुलसीदास। और मेरे ख्याल से डॉक्टर शर्मा का भी काफ़ी भी यही मानते हैं। तो इस तरह से इस पर एक विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर समस्याएँ समान हैं तो कहीं ना कहीं छिपे ही रूप में वो आंदोलन, वो चेतना भी ज़रूर होगी। और ये चेतना और प्रवृत्ति और आंदोलन में होता सिर्फ ये है, मैंने एक लेख पढ़ा था डांगे का भक्ति पर, वो मुझे कभी नहीं भूलता, अच्छा लगा था मुझे। कहाँ तक भक्ति एक व्यक्तिगत भावना है, लेकिन अगर एक साथ 10,000 आदमी उस भावना को उठाकर हाथ उठाते हैं तो आंदोलन हो गई वो। तो अगर वो तुलसी की कविता में इस रूप में आ गई है, आपने बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि वो जो कथा, इसीलिए मैंने शुरू में आपसे निवेदन किया था कि कवितावली में आधा में तो सारी कथा निपटा दी गई है और आधे से ज़्यादा में, और तुलसीदास की का जो द्वंद्व है वो कई आयामों में है। जिन्होंने विनय पत्रिका पढ़ी है और वो जानते हैं कि वो व्यक्तिगत कितना है, और वो जिसको बाद में मुक्तिबोध ने बहुत उस ढंग से विवरण किया है कि निजत्व माफ है बेचैन, मुक्तिबोध का जो आता है कि निजत्व माफ है बेचैन। एक और आदर्श को देखते हैं, राम को देते हैं साहेब, हों कहावत सब कहत राम सहत उपहास, साहेब सीता राम सो सेवक तुलसीदास, कि कहाँ मैं उनका और कहाँ मैं ये। तो ये द्वंद्व भी तुलसीदास का बहुत अनेक रूप, उस द्वंद्व के साथ युग का भी द्वंद्व है, इतिहास का भी द्वंद्व है उसके संदर्भ में। इसमें राजेंद्र जी के सवाल के बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि तुलसीदास को कोरी आध्यात्मिकता से कम हिंदी के किसी आलोचक ने तो नहीं जोड़ा है। तुलसीदास की सामाजिकता, तुलसीदास की विवादास्पदता, ये रामचंद्र शुक्ल से लेकर विश्वनाथ त्रिपाठी तक हर आलोचक के लिए विचारणीय रही है। इसलिए कम से कम साहित्यिक आलोचना पर तो ये आरोप आप नहीं लगा सकते कि उन्होंने तुलसीदास को कोरी आध्यात्मिकता का या कोरी सामाजिकता का कवि बना दिया है। एनीवे,
डॉक्टर रिसाल सिंह जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा सर से कि जैसा कि अभी आपने बताया कि तुलसीदास जी के जीवन का जो अंतिम भाव था, जिस भाव भूमि पर थे, वो भक्ति से मोह भंग का था। भक्ति से नहीं, राम से। राम उनके आराध्य थे, तो उस संदर्भ में मुझे लगता है वो भक्ति से भी मोह भंग। तो जब तुलसीदास जैसे आस्थावान और इतने बड़े भक्त कवि का अंतिम भाव जो है, जीवन का अंतिम भाव, वो भक्ति से मोह भंग का है, तो ऐसी स्थिति में क्या अपने आप में पूरा भक्ति भाव और भक्ति कविता की प्रासंगिकता कम नहीं हो जाती, और क्या ये सब उसको प्रश्नांकित नहीं करता? ऐसा है कि भक्ति भावना पर आहत नहीं होती है, तुलसीदास का भाव आहत नहीं करता, बल्कि भक्ति तर्कयुक्त होनी चाहिए, जो यथार्थ है उसको देखते हुए भक्ति होनी चाहिए। अगर तुलसीदास के राम ऐसे हैं जो रोग ठीक नहीं कर सकते, तो ऐसे राम की साधना, ऐसे राम को ढूंढना चाहिए, ऐसे राम का अन्वेषण करना चाहिए जो उस रोग को ठीक कर सके। तुलसीदास ने तो इसे नहीं कहा था, लेकिन इकबाल ने कहा था इसे, नए मिजाज का परवरदिगार पैदा कर। और आप जानते हैं कि जो हमारा आधुनिक आंदोलन है, आधुनिक युवा है, जो भक्ति का ही प्रसार है, वो अब उसी रूप में भगवान को, राम को भी उस रूप में नहीं देखता है जिस रूप में तुलसीदास ने देखा था। निराला के राम तुलसीदास के राम नहीं है। करो शक्ति मौलिक कल्पना या कैफी आजमी का जो राम का वनवास है, उसके राम जो हैं अलग तरह के राम हैं कि 6 दिसंबर को मिला दूसरा वनवास मुझे, दूसरा वनवास कैफी आजमी, इसलिए रामत्व का विकास हुआ है। ऐसा नहीं कि रामत्व, तो राम की भक्ति का जो रूप है वो तुलसीदास के ज़माने में रुक गए, बल्कि इसके लिए तुलसीदास का अतिरिक्त कृतज्ञ होना चाहिए था, कृतज्ञ होना चाहिए और उनका स्मरण करना चाहिए कि उन्होंने अपने राम की सीमा नहीं बांधी, देख ली थी। अगर वो सीमा ना देखी गई होती तो नए राम का, निराला के राम बाद में कहते हैं पुरुषोत्तम नवीन। हाँ, और कोई सवाल? हाँ पूछिए, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। सर, मेरा नाम अवधेश है, मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हिंदी में PhD कर रहा हूँ। क्या नाम बेटा? मेरा नाम अवधेश है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुलसीदास भक्ति काल के ऐसे कवि हैं जिनकी सबसे ज़्यादा व्याख्याएँ, अति व्याख्याएँ और दुर्व्याख्याएँ हुई हैं। तुलसीदास किसी के सबसे अधिक प्रिय कवि हैं तो किसी के बहुत अप्रिय कवि हैं। जनता में तुलसीदास की बहुत लोकप्रियता है, जबकि कई लोग, कई आलोचक ये मानते हैं कि इनको बिल्कुल पढ़ना ही नहीं चाहिए। मैंने आपकी किताब लोकवादी तुलसीदास पढ़ी, तो उससे मुझे काफ़ी प्रेरक प्रसंग जो है मेरे सामने आए। मुझे सबसे ज़्यादा ये अच्छा लगा जो आपने लिखा है कि जो बंदर भालू हैं वो सर्वहारा के भी प्रतीक हो सकते हैं, जिनके पास लड़ने के लिए सिर्फ दांत और नाखून हैं, और राम ने एक अपने समय के सबसे आततायी सत्ता को हराया। राम राजकुमार थे लेकिन उन्होंने अयोध्या से सेना नहीं बुलाई। तो ये प्रसंग मुझे अच्छा लगता है। और जो मैंने पहले पूछा कि जो व्याख्याएं अलग अलग हैं, ऐसा क्यों है, एक संतुलित दृष्टिकोण हम कैसे अपना सकते हैं? थैंक यू सर। मैंने वही कोशिश की है उसमें अपनाने की। ये जो राम का बंदर भालू वाला रूप है पुरुषोत्तम, आप एक काम करना, आप मुक्तिबोध की कविता पढ़ना, लकड़ी का रावण। तो मैंने शायद उस समय मुक्तिबोध की कविता पढ़ ली थी तुलसीदास से पहले, जिसमें वो रावण जो है वो खड़ा है, बड़ा भारी विशाल का है, और बंदर भालू समझता है कि सब क्या हैं, ये तो सब अपदार्थ हैं, ये क्या करेंगे हमारा। लेकिन वो धीरे धीरे जब बढ़ते हैं तो गिरता है। तो मेरे दिमाग में कहीं वो रुक, वो इमेज रही होगी मुक्तिबोध की। देखिए, ये जो ये संतुलित है, गैर संतुलित है, ये सब इतिहास सापेक्ष अवधारणाएं हैं। हम कौन आदमी संतुलित होते होते असंतुलित नहीं, इसमें एक बात और भी है होने लगा या संतुलित। हमें प्रयास करना चाहिए संतुलित रहने का, देखने सुनने का, तर्कशील होने का भाव। मुझे ये भी लगता है डॉक्टर साहब के बड़ी किताब होगी, बड़ा कवि होगा तो बहुत सारी व्याख्याएं भी होंगी, बहुत व्याख्याएं। और किसी किताब के बड़े होने, किसी कवि के बड़े होने का एक प्रमाण ये भी है, वो विलियम एम्सन का एम्बिग्यूटी का सिद्धांत याद आता है कि कौन सी रचना कितनी व्याख्याएं झेल सकती है। तो तुलसीदास आपके अनुसार
पिछले 400-500 साल से तुलसी हों या कबीर हों या सूरदास हों, तुकाराम हों, भक्ति के ये कवि इतनी व्याख्याएं, कुव्याख्याएं, दुर्व्याख्याएं झेल रहे हैं, थोड़ी और झेल लेंगे, क्या अंतर पड़ता है? उनकी कविता पर कोई खास प्रभाव इसका नहीं पड़ने वाला है। आप अपने ढंग से पढ़िए, जो आपको विवेक सम्मत तरीका लगे उस तरह आप पढ़िए तुलसीदास को। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि संवेदना और वैचारिकता में अंतर कीजिए, आप संवेदना से संबंध बना सकते हैं, इनमें से किसी की भी वैचारिकता से संबंध बनाना मुश्किल काम होगा। और कोई सवाल या? हाँ नमस्ते सर, मेरा प्रश्न है कि नाम बताइए पहले। छाया चौबे जी ने से। क्या नाम बताया? छाया। हाँ सर, मेरा प्रश्न है कि जहाँ प्रबंध आता है वहाँ पे संघर्ष की भूमि भी बहुत सुखद होती है तुलसीदास के रूप में, उनके मानस में देखे तो। लेकिन जब हम कवितावली में आते हैं और खासतौर से जब उसका अंतिम कांड उत्तरकांड में आते हैं, तो वो त्रासदी की समस्या, जो अकाल की समस्या हो, जातिगत समस्या हो, वो तुलसीदास अपने व्यक्तिगत जीवन से और समाज से दोनों दोहरी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वहाँ पे वो लगता है कि जिस काल्पनिकता के एक बहुत भव्य भवन में वो राम को उन्होंने प्रतिस्थापित किया है, वहाँ से भी वो नाउमीद हो रहे हैं। वहाँ से भी उनको समाज में आने के बाद उनको लगता है कि वो उस लड़ाई से, उस जंग को जीत नहीं पा रहे हैं। तो वहाँ पे आपको लगता है कि कौन सी ऐसी मतलब स्थिति है जो उनको प्रकाश के रूप में, समाज से लड़ने के रूप में कोई उम्मीद, अगर वो ऐसा कुछ प्रेषित करना चाहते हैं तो वो क्या बिंदु है उनके तरफ? यानी दूसरे शब्दों में सवाल ये है कि मोह भंग के बाद भी आशा का कोई अधिष्ठान है क्या? नहीं, वो दूसरा पूछ रही है, मैं बताता हूँ। एक तो तुलसीदास बहुत लोग पढ़ते हैं, हम लोग नाहक समझते हैं कि कब लोग पढ़ देखे, सबके पढ़े हुए तुलसीदास पढ़ते हैं, मैं इससे असहमत हूँ। अच्छा चलिए भाई, छोड़िए। दूसरी बात है बेटा कि वो, मैं तुम्हें नागार्जुन की कही हुई एक बात समझा रहा हूँ। देखिए मास्टर हूँ बेसिकली, तो हम दोनों मास्टर हैं। बारे में नागार्जुन कहते थे कि तुलसीदास उस सदगृहिणी के समान हैं कि घर में कोई एक ही सब्जी हो तब भी इतनी तरह के उसे बना देंगे कि खाने वाले समझेंगे बड़ी तरह की सब्जियाँ खा ली। बहुत सुंदर बात है वैसे नागार्जुन कही, तो उन्हें राम ही कथा है। लेकिन बेटा ये बात शायद नहीं जानते, ये बेटा मेरी आदत है बोलने की, है समझ कि लड़कियों को खास तो मध्यकाल में कितने फॉर्म्स हैं पोइट्री के, कितने काव्य रूप हैं, उसका पता सिर्फ तुलसीदास की कविताओं से ही चल जाता है। इसलिए ये मत समझो कि मोहभंग वहाँ नहीं है, क्योंकि कवितावली में वो जो उत्तेजना है, जो संवेदना की तीव्रता है, वो कम नहीं है। बिल्कुल, ऐसा मत समझो कि प्रबंधात्मा प्रबंध काव्य में ही वो ज़्यादा संवेदना की तीव्रता होती है। कभी कभी मुक्तक में बहुत ज़्यादा, गालिब के गज़लों में, मीर में गज़लों में बहुत इसका होती सबसे है। सबसे श्रेष्ठ उदाहरण कबीर है, कबीर हिमसेल्फ। तो ये है, इसलिए ऐसा मत सोचो, आपकी बात मानना मुझे नहीं ठीक लगता। नहीं, लेकिन उसके सवाल का एक और पहलू था डॉक्टर, क्या कि इस मोहभंग के बावजूद कहीं कोई उम्मीद की किरण तुलसीदास देख रहे हैं? बिल्कुल है। ये सवाल पूछा है। देखिए मैं बताता हूँ आपसे, ये ट्रेजेडी जो होती है, इसलिए ट्रेजेडी मैंने कहा, ट्रेजेडी जो होती है वो एक तो ये होती है कि अपने से बड़ी शक्ति से लड़ी जाता है और हारा जाता है, और ट्रेजेडी तब होती है जब आप पराजित ना हों, आप असफल हों लेकिन सार्थक हों। हृदय न पराजिता। तो इसलिए जो ट्रेजिक सेंस है, सेंटिमेंट है, उसमें ही आगे बढ़ने का, इसलिए ट्रेजेडी विजन क्रिएट करती हैं। हेमलेट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जी जी बिल्कुल, हेमलेट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हेमलेट मरता है लेकिन एक नया रूलर, एक नया उसका जो मित्र है, उस सिंहासन पर बैठता है। तो डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद, बहुत आपसे बात करना हमेशा की तरह आज भी बहुत प्रीतिकर और सुखद था। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर त्रिपाठी, इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, जीते रहो, बहुत अच्छा।